नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप सबके लिए मैं एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूं। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं एंड कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं शिवनादर यूनिवर्सिटी मतलब SNU के बारे में, ठीक है। तो शिवनादर यूनिवर्सिटी का क्या क्या, उसका फाउंडेशन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसके क्या क्या एडमिशन प्रोसीजर, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि शिवनादर यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना हुआ है, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन पता भी होंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि शिवनादर यूनिवर्सिटी ग्रोइंग यूनिवर्सिटी आ जाता है इसका नाम, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मैंने पुराने वीडियोज़ में अच्छे खासे आपने रिस्पॉन्स दिया है। थापर यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर हमारे जो एमआईटी यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर नेक्स्ट हो गया हमारा एमआईटी हो गया। तो SRM में भी आपने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया क्योंकि SRM में थोड़ी सी गलती हो गई थी पर तभी आप सब ने अंडरस्टैंड किया, उसको समझा। थैंक यू दोस्तों। तो मैं कम्प्लीटली इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी एंड मेडिकल सेक्टर में जो भी हैं उनके एडमिशन प्रोसीजर, उनके कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस, उनके एडमिशन क्या क्या हैं, उनके ऊपर रिव्यू करने वाला हूँ। तो प्लेलिस्ट मैंने बना चुका हूँ, मैं धीरे धीरे प्लेलिस्ट अपडेट करते जा रहा हूँ, उसमें नई नई वीडियोज़ डालते जा रहा हूँ। तो यार सपोर्ट करते रहो। एंड मुझे एक बस एक काम करना है कि आप सब मुझे कमेंट करके खाली बता दो कि कौन मेडिकल स्टूडेंट है, कौन नॉन मेडिकल स्टूडेंट, या फिर कोई एस्पिरेंट्स है। तो मुझे खाली कमेंट करके आप बता दो कि आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, तो उसके हिसाब से मैं वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले बस आपको मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती तभी आके सब्सक्राइब करना, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोज़ बहुत कुछ आने वाली है आगे फ्यूचर में। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात कर रहे थे यार इसका लोकेशन कहाँ पे। तो सबसे बड़ा इसका फैक्टर जो कि लोकेशन कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा एक टेक हब है, ठीक है, इंडिया का, ठीक है। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ एस्टैब्लिश भी हैं, ठीक है। तो एक और इनकी कैंपस है, चेन्नई में भी कैंपस है, ठीक है। तो ये वहाँ पर मेन कैंपस है ग्रेटर नोएडा में। एक और सबसे स्पेशलिटी, मतलब जो स्पेशल करती है इस यूनिवर्सिटी को अदर यूनिवर्सिटी से, कि इसके फाउंडर कौन है। इनके फाउंडर है शिवनादर। शिवनादर कौन है? तो शिवनादर HCL टेक्नोलॉजीज के मालिक हैं, ठीक है। तो शिवनादर HCL टेक्नोलॉजीज के मालिक है, तो ये सबसे स्पेशल करती है कॉलेज को, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। एंड इसके बाद करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सी है। तो 2011 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर था, और थोड़ा सा नया कॉलेज है, 10 साल ये हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डीमेरिट आप बोल सकते हो, बट ये अच्छा फ्यूचर इसका है, ठीक है। नेक्स्ट इसके NRF रैंकिंग के बारे में बात करें तो NRF रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है यार, मतलब क्योंकि नई कॉलेज है, नई यूनिवर्सिटी है, तो इतनी अच्छी नहीं है। डेवलपमेंट इसका थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो इनकी ओवरऑल रैंकिंग में इनकी 82nd रैंकिंग है, एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इनकी 56th रैंकिंग है, ठीक है। और इनकी इंजीनियरिंग में कोई रैंकिंग नहीं आती है ईयर में। कैंपस एरिया के बारे में बात करें तो कैंपस एरिया 286 एकड़ का कैंपस एरिया है। इट इज़ अ डिसेंट कैंपस एरिया, बड़ा कैंपस है, इसमें आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इनके एडमिशन 2021 के बारे में बात करें तो एडमिशन इस साल का कैसे होने वाला है। तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं इनके एडमिशन में। खुद का एग्ज़ाम जो होता है इनका SNU SAT होता है, उसके और प्लस उसमें एक और होता है कि APT का एग्ज़ाम भी होता है। SNU SAT का एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको वर्बल रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, नेक्स्ट फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ऐसे ये सब होता है। वो 2 घंटे का पेपर होता है। और APT एग्ज़ाम होता है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, उसमें मैथ्स और फिजिक्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो कि 1 आवर का टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको SNU SAT में मिल जाता है, APT में मिल जाता है। नेक्स्ट एक और होता है कि इसमें जेई मीनस में अगर आपने अच्छी परसेंटाइल स्कोर की है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब अच्छी परसेंटाइल मतलब आपकी 80% से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और है इनका रूट 4 जो मतलब SAT के थ्रू है, SAT प्लस इंटरव्यू के थ्रू आपका हो जाएगा। नेक्स्ट होगा ACT के थ्रू प्लस इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है इसमें एडमिशन लेने के लिए। SNU SAT के थ्रू ही इनका एडमिशन होता है, जेई मेंस के थ्रू थोड़ा सा कम होता है, और इनके कट ऑफ्स भी हम लोग इतना मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज के मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कैसे एडमिशन एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी एलिजिबिलिटी में क्या होता है कि हर स्टेट वाइज इनका अलग अलग, स्टेट बोर्ड वाइज अलग अलग है। तो मैं अभी आपको कंप्लीट बता नहीं सकता हूँ, हर खाली CBSE का बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि 70% मार्क होने चाहिए आपके क्लास 12 में, और 50% मार्क्स इन एवरी ईयर सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट यहाँ पे चार्ट दिखा दे रहा हूँ, चार्ट देख लो क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वैरी करते रहते हैं। तो चार्ट देख के आप स्क्रीनशॉट पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कितने % एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कोर्सेज ऑफर्ड एंड उनकी सीट मैट्रिक्स क्या क्या। कोर्सेज ऑफर्ड में आपको ज़्यादा कोर्सेज नहीं मिलते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर किया जाए तो, जैसे VIT SRM थापर हो गया, तो इसमें इतना मतलब SNU में इतना ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बट जितना वैरायटी है जितना कोर्सेस है वो अच्छे खासे कोर्सेस हैं। तो यहाँ पे बीटेक आपको को करने को मिल जाता है। तो बीटेक में आपको केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस है, नेक्स्ट ट्रिपल ई है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंजीनियरिंग में आते हैं और टोटल मिला के इनकी 380 सीट्स हैं, ठीक है। तो ज़्यादा भीड़ भड़ाक नहीं है इसमें, कॉलेज में आपको अच्छे खासे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बेनिफिशियरी है क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स आपको 380 है। अब अदर कॉलेजेस में देख लो, यहाँ पे 380 का बस एक ही ब्रांच का सीट मिल जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ह्यूमैनिटीज़ मिल जाता है, नेक्स्ट हो गया यहाँ पे आपको नेचुरल साइंस उसमें मिल जाता है, एंड मैनेजमेंट भी आपको मिल जाता है, मतलब BMS कर सकते हो या फिर MBA भी कर सकते हो, इसमें मिल जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं यार फी स्ट्रक्चर के बारे में। फ़ी स्ट्रक्चर वाला आपको लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक फैक्टर है हमारे, क्योंकि मिडिल क्लास के स्टूडेंट ज़्यादातर होते हैं क्योंकि एडमिशन लेते हैं, उनके लिए फ़ीस एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट के लिए। तो फीस में आपकी क्या होने वाली है, आपकी 9 लाख रुपीज़ 4 साल के आपकी ट्यूशन फ़ीस होने वाली है, ठीक है। तो मैं स्कॉलरशिप्स के आप कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप ऐड करने के बाद अगर आपको होती है तो रिडक्शन मिल सकती है। तो मैं 9 लाख पकड़ के चल रहा हूँ कि आपके 4 साल की ट्यूशन फीस होने वाली है। नेक्स्ट उसमें हॉस्टल फीस आ जाती है आपकी 4,40,000 रुपीज़, ठीक है। AC होगा तो उसमें चार्जेबल है, कुछ 6,500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ठीक है। एंड मेस फीस की यहाँ पे आ जाती है कुछ 2,20,000 आपकी मेस फीस आ जाती है, एंड लॉन्ड्री फीस आपकी होती है कुछ 16,800। मैं ये 4 साल का बता रहा हूँ, तो कंप्लीट आपका टोटल में आ सकता है 15 से 16 लाख रुपए आपका पकड़ के चलो, प्लस उसके ऊपर आपके एडिशनल खर्चे जो होते हैं मिला के 18 लाख रुपए आप पकड़ के चलो कि आपके टोटल कॉलेज में खर्च होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई स्कॉलरशिप्स के ऊपर। स्कॉलरशिप आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं, मैं इसमें इतना मतलब कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं तो इतना क्या कवर करना। मैं आपको क्या करूँगा कि स्कॉलरशिप का यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि स्कॉलरशिप्स का यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप अपने आप से देख लो क्योंकि यहाँ पे मैं अलग अलग वैरी हो जाता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट यहाँ पे। पर ये है कि आपका जो अगर आप CBSE ICSE कोई भी बोर्ड के टॉपर हो या फिर टॉप 100 में आते हो तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। नेक्स्ट आप जेई मेन में आपके अच्छे से रैंक होंगे तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर। तो प्लेसमेंट्स एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि SNU को एक डिफरेंट करता है। अब प्लेसमेंट्स में आपकी बात करें तो 2019 का स्टैट्स बता रहा हूँ, 2020 के कुछ पार्शियल स्टैट्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी गई थी 2019 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ 31,50,000 की LPA गई थी, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है, कि 31 लाख कुछ क्या था LPA। नेक्स्ट इनके प्लेसमेंट परसेंटेज क्या आती है कि 85% इनकी 2020 में गई थी एंड 93% इनके 2019 में गई थी प्लेसमेंट परसेंटेज। अब बहुत अच्छी यहाँ पे है कि यहाँ पे 85% या फिर 93% थोड़ी सी इतनी वैरी करती है क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाए होंगे या फिर ऑप नहीं गए होंगे, हायर एजुकेशन के लिए चले गए होंगे, तो ये सब मैटर करता है। तो अभी बात कर लेते हैं एवरेज सैलरी के ऊपर। तो एवरेज सैलरी इनकी कुछ 7.5 लाख रुपीज़ आती है, 2020 की गई थी इतनी एंड 2019 में वो 6.35 लाख रुपीज़ गया था। ये बहुत अच्छा है, बट ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्राउड कम है, स्टूडेंट का कंपटीशन कम है, तो इसमें मतलब एवरेज सैलरी यहाँ पे जाना क्योंकि हाई जाना थोड़ा सा कॉमन है क्योंकि ये आप अगर देखा जाए तो जैसे कि VIT, SRM या फिर मानीपाल हो गया, उसमें क्राउड ज़्यादा है, बच्चे का कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है कि उसमें एवरेज सैलरी कुछ 6 to 7 लाख रुपीज़ होती है, पर यहाँ पे भी 6 to 7 लाख रुपीज़ के अंडर ही है। तो उसमें एक ये है कि यहाँ पे जो एवरेज सैलरी में क्या होता है कि आपको जो हाई सैलरी आती है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एवरेज सैलरी आपकी थोड़ी सी हाई जाती है। तो यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स की बात करते हैं, टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन थे, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, अमेजन हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, पेक्सन हो गया, IBM भी आता है, HCL खुद की कंपनी है, वहाँ पे भी आएगी, डिलीवरी भी आती है, पेटीएम आती है, टाइटन आती है, TCS आती है, कॉगनिंगजेंट आती है, ABB कंपनीज आती है, देन HP हो गया और एल्टायरफ भी हो गया, ठीक है। ये तो कुछ टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, अगर रिक्रूटर्स बोलूँ तो बहुत सारे रिक्रूटर्स आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे नॉट ओनली इनको कंप्यूटर साइंस यहाँ पे कोर ब्रांचेस के लिए भी अच्छे खासे प्लेसमेंट मिल जाती है। तो फाइनल एक टॉपिक में बात करते हैं यार प्रोज एंड कॉन्स। आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रोज एंड कॉन्स क्योंकि यार इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कॉलेज का क्या रेप्यूटेशन है क्या नहीं। तो सबसे बड़ा इसमें एक बात ये है कि यार कॉलेज का कैंपस एरिया बहुत बड़ा है, आपको कैंपस एक्टिविटीज़ बहुत सारी मिल जाती है, यहाँ पे स्पोर्ट्स मिल जाता है आपकी खुद की, यहाँ पे इस कैंटीन्स है, इसमें लाइब्रेरी बहुत अच्छी खासी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है जो कि SNU को एक अच्छा कॉलेज में ना डालती है। नेक्स्ट हो गया इनके जो प्लेसमेंट स्टैट्स है वो बहुत अच्छे स्टैट्स हैं क्योंकि इनके जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो लगातार मेंटेन होकर रह रहे हैं, मतलब 95 to 85 के अंडर ही रह रहे हैं, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट हो गया इनके लिमिटेड सीट इनटेक होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता और क्राउड भी ज़्यादा नहीं होता, स्टूडेंट्स कम होंगे, ठीक है। एंड एक और यहाँ पे कि यहाँ पे लैब बहुत अच्छे अच्छे लैब्स हैं, यहाँ पे वेल इक्विप्ड है, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी खासी है एंड एसी लैब्स भी यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपके एक्टिविटीज़ आपको मिली जाती हैं और स्पोर्ट्स एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, ठीक। एक कौन मुझे यहाँ पे लगता है ये है कि ये कॉलेज थोड़ा सा रेप्यूटेड नहीं है, पुराना कॉलेज नहीं है, थोड़ा सा नया कॉलेज है, ठीक, तो ये एक कौन हो जाती है। वरना और एक और है कि ये थोड़ा सा सिटी के आउटस्कर्ट्स में, ठीक है, तो थोड़ा सा सिटी से बाहर है, तो ये एक है कि स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है एंड जो बाहर बच्चे रहना चाहते हैं वो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो बस इतनी ही मुझे कॉन्स लगी और मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। ओवरऑल देखा जाए तो कॉलेज बहुत अच्छा है, स्टूडेंट को इसमें अगर चांस मिलता है तो एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि एक अब जगह देखा जाए तो अगर VIT में नहीं मिलता है, SRM में नहीं मिलता, मानीपाल में नहीं मिलता है, फिर कोई बड़े कॉलेज में नहीं मिलता, तो ये कॉलेज उसके लिए एक अल्टरनेटिव बन के निकलता है एंड दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज। अगर आपको ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है, आपको ज़्यादा अगर आपको प्लेसमेंट फोकस्ड ही रहना है, तो दिस इज़ द कॉलेज दैन यू कैन ज्वाइन, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो करो, क्योंकि इनके जो फाउंडर है तो HCL के मालिक हैं एंड ये सबसे बड़ी बात है कि इनको एक अच्छा यूनिवर्सिटी में लाती है। तो बस यहीं पर ही अपना वीडियो रखता है, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है एंड मुझे कोई भी आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी देनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपके फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम का ID भी दिख रहा होगा, यहाँ पे आप मुझे फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, तो पूछो, बस इतना ही चलता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।